नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम। लोकसभा चुनाव से पहले एक गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। चुनाव बाद जो हुआ वो सबको पता ही है, बसपा के खाते में तो 0 से 10 सीटें आ गईं, मगर समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर अटक के रह गई। परिवार के 3 सदस्य धर्मेंद्र यादव बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और डिंपल यादव भी कन्नौज से चुनाव हार गईं। तो अब सपा में शुरू हुआ है विचार मंथन। 27 मई को पार्टी के लखनऊ कार्यालय में एक मीटिंग हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इसमें पहुंचे ही, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी इसमें पहुंच गए। और सिर्फ आए नहीं, मुलायम सिंह यादव ने नाकामी के लिए पार्टी के नेताओं की जमकर क्लास लगाई। मीटिंग में मौजूद एक सपा नेता ने लल्लन टॉप को बताया, नेताजी ने कोर्स करेक्शन यानी रास्ता सुधारने की बात की है। उन्होंने नेताओं से कहा कि पार्टी को गठबंधन से ज़्यादा ज़रूरत ज़मीनी स्तर पर काम करने की है। मुलायम सिंह यादव ने अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव के चुनाव हारने पर अखिलेश और बाकी नेताओं से कहा, तुम लोग तो घर की सीट भी नहीं बचा सके। बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक मुलायम सिंह यादव बसपा को मिली बढ़त से खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली बसपा इस बार 10 सीटें जीत कर आ गई। उन्होंने कहा कि सपा ने अपनी मजबूत सीटें बसपा के खाते में दे दी और खुद ऐसी सीटों पर लड़ी जिस पर पार्टी कभी मजबूत नहीं रही। बैठक में कुछ नेताओं ने हार के कुछ एक कारण गिनाने शुरू किए तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें भी डांट कर बैठा दिया। सूत्रों के अनुसार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के करीबियों और उनके प्रचार के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश जिन लोगों से घिरे रहते हैं उनकी मदद से चुनाव मजबूत नहीं होता है। एक पार्टी नेता बताते हैं कि मुलायम ने कहा, अखिलेश यादव साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री बने थे, अब एसी बस या हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं। उन्होंने कहा, अखिलेश भैया का जमीन से कनेक्शन कट चुका है। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव के पार्टी से अलग हो जाने पर भी मुलायम सिंह यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने हार का एक बड़ा कारण शिवपाल की गैर मौजूदगी को भी बताया। उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा कि उन्हें रास्ता दिखाने वाले लोग गलत रास्ता दिखा रहे हैं। इस मीटिंग से पहले भी सपा में लगातार हलचल मची हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी प्रवक्ताओं को हटा दिया, फिर टीवी पैनलिस्टों को भी पद से हटा दिया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 7 समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी और यूथ ब्रिगेड को फिर गठित करने की तैयारी हो रही है। सूत्र बताते हैं कि संगठन के पुनर्गठन की घोषणा भी अखिलेश यादव जल्द कर सकते हैं। संगठन से जुड़ी कुछ और जानकारी हम तक आती है तो वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप डॉट कॉम। और मुलायम सिंह यादव ने ये जो डांट लगाई अखिलेश यादव को, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।